हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम प्रीति है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स पहली बार यूज़ किए हैं वेट एंड वाइल्ड के। मैं ये प्रोडक्ट्स खरीद के इकट्ठा ही कर रही थी ताकि मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ अपना ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मैंने आज जो यूज़ किया वो है ये वायरल प्राइमर। ये है वेट एंड वाइल्ड का इम्पॉसिबल प्राइमर और ये सिलिकॉन फ्री प्राइमर है और ये हाइड्रेट करता है, मैटिफाई करता है और स्मूदन करता है स्किन टेक्स्चर को, ऐसा इसका क्लेम है। आई वुड डेफिनेटली से काफ़ी थिक लगा मुझे, मैं वीडियो इंक्लूड करूँगी क्लोजअप। मैंने इसे जब पहली बार निकाला ये तो गिर गया, लेकिन वापस से जब मैंने इसे निकाला और अपने इस एरिया पे अप्लाई किया जहाँ मेरे पोर्स हैं, इसे अप्लाई करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, पर ये डेफिनेटली थिक है, वेरी डिफरेंट देन द नॉर्मल सिलिकॉन प्राइमर दैट आई यूज सो फार। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, और इसने पोर्स को मिनिमाइज़ किया, पूरी तरह से मिनिमाइज़ नहीं किया। यस, इट ग्लाइडेड ऑन स्मूथली, सो दैट्स व्हाट आई कैन से। और हाँ, ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी फील हो रहा था, तो मुझे नहीं पता ये कितने देर तक मेरे मेकअप को होल्ड करके रखेगा, पर ये प्रोडक्ट काफ़ी वायरल है इसलिए मैंने इसे खरीदा था। प्रॉब्ली फ्यूचर वीडियोज़ में आपको ये देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट अप मैंने ये यूज़ किया, ये है वेट एंड वाइल्ड का बेयर फोकस टिंटेड हाइड्रेटर इन द शेड लाइट मीडियम, और इसे मैंने पहली बार यूज़ किया। अगेन, ये भी बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, स्किन टिंट्स आर द इट थिंग दिस सीजन, और मैंने इसलिए इसे खरीदा था। इट इज़ जस्ट दैट ये मेरा शेड मैच नहीं है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी वाइट भी दिख रहा है, सो आई शुड हैव गॉन कपल ऑफ शेड्स डार्कर। मैं शेड मैच ज़रूर से करूँगी अगली बार, मैंने इसे ऑनलाइन लिया था इसलिए मैंने लाइट मीडियम अपने आप से ही पिक किया था, पर आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड शेड। हाउएवर, आई विल डेफिनेटली से ये हाइड्रेटिंग स्किन टिंट नहीं है। मुझे डेफिनेटली कोई मॉइस्चराइजिंग प्राइमर या अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए था इसे अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये हल्का सा डेमी मैट फिनिश कह सकते हो, और मुझे खिंचा खिंचा सो तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता इसका जो फिनिश है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। आई कैन सी इन द पोर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो मैं ये भी नहीं कह सकती कि इस प्रोडक्ट की गलती है पहले यूसेज में। आई कीप यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड अपडेट यू, पर येस, काफ़ी अच्छा और क्रीमी कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट है। गेव मी शेयर टू मीडियम कवरेज, यहाँ पे एक्ने मार्क है वो हाइड नहीं हुआ, यहाँ पे कम एक्ने मार्क है तो आराम से एक बार में ये अच्छे से कवर कर गया, सो आई रियली वॉन्टेड यू टू नो दैट। नेक्स्ट अप इज दिस फोटो फोकस कंसीलर बाय वेट एंड वाइल्ड। ये नया प्रोडक्ट नहीं है, इसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। मेबेलिन के फिट मी के कंसीलर के जैसा है, क्रीमी कंसीलर है। लव दिस प्रोडक्ट, और कलर बहुत अच्छा है इसका, शेड मैच अच्छा है। सो दिस इज व्हाट इज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज। पहली बार यूज़ नहीं किया इसे मैंने, पर मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने आज कंसीलर के लिए यूज़ क्या किया है। फिर ये है वेट एंड वाइल्ड का ड्यूअल एंडेड कॉन्टोर स्टिक। हमेशा जब भी मैं कॉन्टोर स्टिक खरीदती हूँ ड्यूअल एंडेड वाला, उसका कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट तो यूज़ हो जाता है पर हाईलाइटिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता। तो ये है कॉन्टोर कलर, कॉन्टोर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, निक्सा कॉन्टोर स्टिक मेरा फेवरेट है, उसके बाद इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। ये ग्रे टोन्ड कॉन्टोर स्टिक है बाय वेट एंड वाइल्ड, काफ़ी क्रीमी लगा, आराम से ग्लाइड हो रहा था, और ये जो हाईलाइटिंग साइड है जो कि उजला है, पता नहीं क्यों इतना उजला दिया है। आई नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग, सो स्टिल आई वुड से इट्स टू वाइट फॉर हाईलाइटिंग एज वेल। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस कॉन्टोर स्टिक। ये निक्स का जो कॉन्टोर स्टिक है उसकी याद दिला रहा है, बहुत अच्छे से ग्लाइड हुआ, अच्छे से मेरा जो कलर शेड मैच है इसको लेके वो अच्छा रहा। दिस वन इज़ इन द शेड लाइट मीडियम अगेन। एंड देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस ब्लशर। ये रोजी पीच ब्लशर है और कुछ ऐसा दिखता है, शियर है, और आप अपने फिंगर से इसे ब्लेंड करके अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। क्रीम ब्लशर्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं स्किन में, और अगर ओवर ब्लेंड करो तो दिखते नहीं है। तो यस, ये भी वैसा ही है। इसमें बस डेफिनेटली एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें फ्लेक्स ऑफ शिमर आई कुड सी। सो ये है मेगा ग्लो ब्लशर बाय वेट एंड वाइल्ड, एंड दिस वन इज़ इन द शेड पीच बम्स। तो शेड बहुत अच्छा लगा मुझे, इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा, बट हाँ, इसमें मुझे हल्का फुल्का शिमर ज़रूर से दिख रहा था, सो आई रियली वॉन्टेड यू टू नो। एंड लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट लिक्विड हाईलाइटर। आई यूज़ मेगा ग्लो हेलो हाईलाइटर, लिक्विड हाईलाइटर। दिस वन इज़ इन द शेड गिल्डेड ग्लो, लव इट। मैंने बहुत बच बचा के हाइलाइटर अप्लाई किया, क्योंकि जब मैंने ब्लश अप्लाई किया था, जैसे कि मैंने कहा, वो थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी दे रहा था, तो इसलिए मैंने कम ही हाइलाइटर लेना चाहा, तो मैंने एक थोड़ा सा हाइलाइटर अपने एप्लीकेटर पर लिया और इधर 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 और अपने टी जोन पर अप्लाई किया, एंड दैट इज़ अबाउट इट। इट गेव मी गुड अमाउंट ऑफ ग्लो, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस हाइलाइटर। मैं ऐसे लिक्विड इल्यूमिनेटर्स को अपने फाउंडेशन या स्किन टिंट पर अप्लाई यूज़ करती हूँ, और फिर अपने उस कॉन्कॉक्शन को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ।
टू यूजुअली, सो दैट इज़ वॉट आई विल बी डूइंग इन फ्यूचर. आई क्वाइट लाइक द इफेक्ट इट गेव. इट्स प्रिटी गुड. एप्लीकेटर इज नाइस एंड नॉट एक्सट्रीमली जम्बो. इट लुक समथिंग लाइक दिस एंड लेट मी स्वॉच इट. सो आप देख सकते हैं कितना ब्लाइंडिंग हाईलाइटर है, लिक्विड इल्यूमिनेटर है. आई लव इट. और ये काफ़ी ब्लेंडेबल भी है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. I'll put up a close up also for your ease of reference, so don't worry. Let's talk about eyes. So eyes के लिए मैंने ये palette पहली बार use किया, Wet n Wild का color icon eye shadow palette in heart and soul. It's a pink berry toned eye shadow palette. बहुत अच्छा लगा मुझे. जो भी आई शेडोज आज मैंने यूज़ किए हैं, मैंने आज यूज़ किया है ये मैट आई शेडो और ये ब्राउन आई शेडो और इसके अलावा ये रोज़ गोल्ड टोन का आई शेडो और ये आई शेडो यूज़ किया है मैंने यहाँ इस हिस्से में और ये आई शेडो मैंने बाहर एडजस्ट को ब्लेंड करने के लिए ये रो बेसिकली आज यूज़ किया पूरा का पूरा. आई एम सो सेटिस्फाइड. ये थोड़ा सा हार्ड प्रेस लगा मुझे, ये बहुत सही लगा. इसमें किकबैक हुआ था पर ओवरऑल आप इम्पैक्ट देख सकते हो मेरे आई लुक आज कैसा लग रहा है. आई एम इन लव. बहुत अच्छा लगा मुझे ये आई शेडो पैलेट. टोटली वर्थ हैविंग एंड या दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट इन डीड. Wet n Wild के आई शेडो पैलेट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं. नेक्स्ट अप इज दिस Wet n Wild आई लाइनर इन ब्राउन शेड. डिंट लाइक इट. बहुत हार्ड है. इसे तो ऐसे स्वॉच करोगे तो बहुत स्मूथली स्वॉच हो रहा है, पर जब मैं अपने अपर लैश लाइन पे इसे अप्लाई करने गई इट वॉज़ वेरी रफ. मुझे बहुत प्रेस करना पड़ रहा था प्रोडक्ट को अपने आई पे लगाने के लिए. एंड येस, विंग लाइन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो. काफ़ी पॉइंटी इसका टिप है, बट आई डिडंट लाइक इट मच. इट्स नॉट स्मूथ. कलर पे ऑफ वॉज गुड, बट जैसे मैंने कहा मुझे बहुत प्रेस करना पड़ रहा था. एंड काजल के लिए आज मैंने इसे यूज़ किया है, Wet n Wild का ब्रेकअप प्रूफ वाटर प्रूफ रिट्रैक्टेबल आई लाइनर. समहाउ मैंने इसे हाथ पे, आप देख सकते हो कितनी बार इसे वार्म अप करने की कोशिश की है. डिडंट लाइक इट मच. ऑल्सो आज के आई लुक के लिए मैंने ये आई प्राइमर भी यूज़ किया था, आई शेडो प्राइमर बाय Wet n Wild फोटो फोकस रेंज से. काफ़ी थिक लगा मुझे और यस, अच्छा कलर पे ऑफ आया है आई शेडो का. ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, पर ये काफ़ी थिक है एंड जल्दी से ड्राई भी हो जाता है. सो यू हैव टू वर्क फास्ट व्हेन यू वर्किंग विद दिस आई प्राइमर. एंड ऑफकोर्स मैंने आज अपना यूजुअल आईब्रो पेंसिल, आप देख सकते हैं कितना यूज़ कर लिया, खत्म हो गया. ये इसका यूजुअल साइज़ नहीं है, खत्म होने वाला है. ये Wet n Wild का ब्रुनेट थ्रू इट बेटर आईब्रो पेंसिल है और ये मेरा यूजुअल फेस जो है, जो मैंने अपने फेस के अंडर आईज़ को बेसिकली सेट करने के लिए आज यूज़ किया है. एंड आई क्वाइट लाइक इट. और आप देख सकते हैं मैंने पैन हिट किया हुआ है, सो दैट्स वॉट इट इज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं. मैंने यूज़ किया ये लिप लाइनर, कल आइकन लिप लाइनर है इन द शेड फैब फ्यूशिया. इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक लिप लाइनर एंड इट इज़ वेरी क्रीमी. इसका जो चेस्ट नट शेड है वो मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ और मैंने अपने कलेक्शन में फैब फ्यूशिया को ऐड किया है. देयर आर नो कंप्लेंट्स. इट्स अ वेरी क्रीमी लिप लाइनर. देन आई अप्लाइड दिस क्लाउड पाउट मार्शमेलो लिप मूस एंड दिस वन इज़ इन द शेड मार्श मेलो मैडनेस. और ये पीची कलर का लिप प्रोडक्ट है. लिप ग्लॉस भी नहीं कह सकती, लिपस्टिक भी नहीं कह सकती. डेमी मैट फिनिश का है ये, कुछ ऐसा दिखता है. लव इट. इट्स अ पिंकी पीच शेड दैट आई अप्लाइड. देन वो मेरे आँखों के साथ वैसे जा नहीं रहा था ये लिप कॉम्बो, तो मैंने हल्का सा Wet n Wild का लिपस्टिक ग्लॉस लगाया. एंड दिस वन इज़ इन द वेरियंट कॉल मी बॉस. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ रोज़ गोल्ड लिप gloss. So this is what I applied on my lips today. सारे प्रोडक्ट्स के क्लोजअप मैं डाल दूँगी ताकि आपको आसानी रहे कुछ भी देखना है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लोजली देखना चाहते हैं तो. आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए वो सारे के सारे मैंने खुद से खरीदे हैं. आई वुड से मेरा मेकअप लुक काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, पर हाँ जो मेरा टिंटेड मॉइस्चराइजर या टिंटेड फाउंडेशन का शेड है वो स्किन टिंट का शेड जो है वो मेरा परफेक्ट शेड मैच नहीं है एंड इट इज़ वे लाइटर देन माई एक्चुअल स्किन टोन. अदरवाइज आई वुड से मेरा मेकअप लुक मुझे अच्छा लग रहा है. आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है. सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो आई शेडो पैलेट है और प्रॉब्ली उस प्राइमर की वजह से इतना अच्छा उम्फ मिला है मेरे आई लुक को. आप मुझे बताना कि आपको आज का मेकअप लुक कैसा लगा. और ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑन Wet n Wild प्रोडक्ट्स, फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन Wet n Wild प्रोडक्ट्स. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.